तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चारों तरफ से घेरा जा रहा है कानून व्यवस्था को लेकर, क्योंकि प्रदेश में अपराध जिस तरह से लगातार बढ़ रहे हैं, तो बीजेपी हमलावर नजर आ रही है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर। इधर पूर्व मंत्री और गुजरात कांग्रेस के प्रभारी रघु शर्मा के पुत्र सागर शर्मा को प्रदेश युवा कांग्रेस में वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त करने पर अब पार्टी में ही बवाल मच गया है। भारतीय युवा कांग्रेस में सदस्य तक नहीं होने के बावजूद सागर शर्मा को सीधे प्रदेश में वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाए जाने को लेकर अब युवा कांग्रेस के नेताओं में ही अंदरखानी नाराजगी बढ़ गई है। तो वहीं युवा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान युवा बोर्ड के चेयरमैन सीताराम लांबा ने भी सागर शर्मा की नियुक्ति पर सवाल खड़े किए हैं। सीताराम लांबा ने सागर शर्मा की नियुक्ति का विरोध करते हुए ट्वीट करके युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवासन बीवी और युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा अलावेरु से भी सवाल पूछा है। सीताराम लांबा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि क्या यही भारतीय युवा कांग्रेस का आंतरिक लोकतंत्र बचा है? जो भारतीय युवा कांग्रेस के सदस्य भी नहीं, वो बिना संगठन चुनाव के सीधे प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। शीर्ष नेतृत्व से निवेदन है कि सूची पर पुनर्विचार करें।